السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. قال حدثنا الحسن بن الصباحي سمع جعفر بن عون حدثنا أبو العميسي أخبرنا قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عمر بن الخطاب أن رجلا من اليهود قال له يا أمير المؤمنين آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا قال أي آية قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا قال عمر قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم الجمعة أو كما يوم جمعة أو كما قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. إمام بخاري رحمه الله تعالى والباري अपनी सही बुखारी में 45 नंबर पर हदीस लाए हैं किताबुल ईमान में, पिछले वाले बाब में ये दूसरी हदीस है। कहते हैं हमसे इस हदीस को हसन बिन सबाह ने बयान किया, उन्होंने जाफर बिन आउन से सुना, वबुल हमैस से बयान करते हैं, उन्हें कैस बिन मुसलम ने तारक बिन शिहाब के वास्ते से खबर दी, वो सैयदना हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत करते हैं। अन्न रजुलन मिन अल्यहूद, कि एक यहूदी ने इनसे कहा, या अमीरुल मुमिनीन, आयतुन फी किताबिकुम तक़रऊनहा, तुम्हारी किताब कुरान करीम में एक आयत करीमा है जिसे तुम पढ़ते हो, लव अलैना माशर यहूद नजर, अगर वो हम यहूदियों की जमात पर, यानी हम यहूदियों पर अगर वो आयत करीमा नाजिल होती, लतखज़ना ज़ालिका अल्यौम ईदन, तो फिर उस दिन को जिस दिन वो नाजिल होती वो आयत करीमा, तो हम यहूदी उस दिन को ईद के दिन की तरह, ईद की तरह उसको मनाते, ईद की तरह उस पर खुशी करते, उसे ईद बना लेते। قال اي ايه, तो सैयदना उमर बिन खत्ताब अमीर المؤمنین, आपने कहा अयु आयतिन, या यहूदी वो कौन सी आयत करीमा है, तो उस यहूदी ने आयत करीमा पढ़ी, अल्यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम वअतममतु अलैकुम निअमती वरदीतु लकुम अलइस्लाम दीनन, सूरतुल मायदा की आयत है। अल्यौमा अल्लाह तआला कहते हैं, अल्यौमा आज के दिन, अकमलतु लकुम ऐ मेरे पैगंबर सरवर आलम सैयद बुद्द आदम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज के दिन हमने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया, वातमतु अलैकुम निअमती, और मैंने अपनी नेमत को भी तुम पर मुकम्मल कर दिया है, वरदीतु लकुमुल इस्लाम दीनन, और मैंने तुम्हारे लिए जिस दीन को पसंद किया है उसका नाम क्या है, इस्लाम। दीन इस्लाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत कह रहे हैं, ऐ मेरे महबूब तुम्हारे लिए जिस दीन को मैंने पसंद किया है वो दीन कौन सा है, इस्लाम है। उस यहूदी ने ये आयत करीमा जनाब सैयदना अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु को पढ़कर सुनाई। قال عمر, फिर सैयदना हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उससे कहा, قد عرفنا ذلك اليوم والمكان, कहने लगे अमीर المؤمنین खलीफा तो इस वक्त ये उस यहूदी से मुखातिब होकर कहते हैं, عرفنا ذلك اليوم والمكان, ऐ यहूदी जरा मेरी बात को सुन,
इनको भी मैं पहचानता हूं और जिस जगह पर ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आयत करीमा नाज़िल हुई थी उस जगह को भी मैं जानता हूं। वहुवा क़ाइमुन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या थे, खड़े थे जिस वक़्त ये आयत करीमा नाज़िल हुई थी। पहले क्या कहा कि मैं उस दिन को भी जानता हूं, पहचानता हूं और उस जगह को भी जानता हूं। फिर बताने लगे हैं, कहते हैं वहुवा क़ाइमुन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक़्त खड़े थे इस काम के लिए। फरमाया बिआराफता, अरफा के मैदान अराफात में, मैदान अराफात में, यौमा जुमुआतिन, और वो दिन कौन सा दिन था, जुमे का दिन था। सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला ने उस यहूदी को ये जवाब दिया कि हम जा, फरमाया कि तुम तो ये कह रहे हो कि वो आयत अगर हमारे अंदर नाज़िल होती तो हम उसको ईद के तौर पर बड़ा खुशी के तौर पर उसको मनाते। तो कहा ऐ यहूदी, मैं उस दिन को भी जानता हूँ और उस जगह को भी जानता हूँ जिस जगह पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस आयत करीमा को अल्लाह ताला ने नाज़िल फरमाया था। तो यहाँ यहूदी के लिए बड़ा पैगाम था और क़यामत तक इस उम्मत के लिए भी पैगाम है। वो क्या है, अल्लाह अकबर, के इस्लाम, दीने इस्लाम, दीने इस्लाम वो मजहब और दीन है जिसको अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुकम्मल कर दिया। कौन सा दीन है जिसको रसूलुल्लाह सल्लम पर अल्लाह ताला ने मुकम्मल कर दिया है। इससे पहले जितने भी अदियान थे, जितने भी मजहब थे, जितने भी अंबिया अलैहिस्सलाम वस्सलाम आए हैं, सहीफे लेकर आए हैं, किताबें लेकर आए हैं, तौरात इंजील ज़बूर और सुहूफ़ इब्राहीम व मूसा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम वस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम वस्सलाम पर जो सहाब नाज़िल हुए हैं उनके मुताल्लिक कोई दलील नहीं है कि अल्लाह ताला ने उनके दीन को, उनकी किताबों को, उनकी रहनुमाई की किताब को, उनकी हदायत की किताब को अल्लाह ताला ने मुकम्मल कर दिया या उनके दीन को मुकम्मल कर दिया। तो ये सबसे बड़ा एजाज अल्लाह ने इस उम्मत को दिया है वो उम्मत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर है जिस पर अल्लाह ताला ने दीन को मुकम्मल फरमा दिया और कुरान में आयत करीमा भी नाज़िल फरमा दी। सैयदना हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला ने उस यहूदी को यही जवाब दिया कि उस दिन का भी मुझे पता है और उस जगह का भी मुझे पता है। और दूसरी तरफ क्या पैगाम दिया, क्यों जी मैदान अराफात कौन सा दिन है, क्यों जी मैदान अराफात कौन सा दिन है, क्यों जी कैसा, नौ ज़ुल्हज्जा, कौन सा, नौ ज़ुल्हज्जा, और दस ज़ुल्हज्जा को क्या होता है, ईद, क्या होती है। जवाब उसको यही दिया कि अल्लाह ताला ने हमें ईद कैसी खुशी अदा की है और जिस दिन ये आयत करीमा नाज़िल हुई वो दिन कौन सा दिन है, जुमे का, और मुसलमानों के लिए जुमे के दिन वैसे ही ईद के तौर पर मनाया जाता है, इतनी खुशी होती है। तो उसको ये पैगाम दिया कि तुम भूले हुए हो, मुसलमान ऐसे नहीं है कि जो इसके नज़ूल को और इसके मुकाम को भूल जाए, बल्कि अल्लाह ताला ने इस किताब को हमारे लिए, ये बहुत बड़ा इस उम्मत के लिए एजाज है कि अब ना तो इस दीन इस्लाम के अंदर किसी चीज को शामिल किया जा सकता है अपनी मर्जी और ख्वाहिशात के मुताबिक, ना ही अपनी नापसंदीदगी और मर्जी और ख्वाहिशात के मुताबिक किसी चीज को इस दीन से बाहर निकाला जा सकता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इस पर मोहर लगा दी है कि इस दीन को अल्लाह कहते हैं मैंने इस दीन को तुम्हारे लिए मुकम्मल कर दिया है, अपनी नेमत को तुम पर मुकम्मल कर दिया है और दीन इस्लाम को तुम्हारे लिए दीन, दीन इस्लाम को पसंद किया है।
और फिर जितनी रवायात मुसलमानों के अंदर आम हो चुकी हैं, बिदात हैं, खराबात हैं, और एक लंबा सिलसिला है आइम्मा का, उनको मानने का और उनको दीन में शामिल करने का, ये सारी चीजें वो हैं जो इस दीन से बाहर हैं। मुसलमान के लिए सबसे बड़ी बात अल्लाह की है और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। इसके बाद फिर देखेंगे, अगर हमें कोई बात अल्लाह की किताब में से नहीं मिलती, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से नहीं मिलती, फिर देखेंगे कि आप अलैहिस्सलाम के बाद उन मामलात में सहाबा ने किस तरह अमल किया है। फिर देखेंगे उसके बाद किसकी बात कुरान और हदीस के ज्यादा करीब है, किसकी दलील कुरान और सुन्नत के मुताबिक है, फिर उसकी बात को अहमियत देंगे। वगरना हर बात हमारे लिए वो आखिरी बात है जो अल्लाह ताला ने नाज़िल फरमा दी है और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाई है, वही बात हमारे लिए हर्फ आखिर है। ना तो अपनी मर्जी से दीन में किसी चीज को शामिल कर सकते हैं कि ये काम बड़ा खूबसूरत है, बड़ा अच्छा है, बड़े तरीके से और सलीके से किया जा सकता है, और ना अपनी मर्जी से किसी चीज को दीन से बाहर निकाल सकते हैं कि इस पर अमल करना मुश्किल है, ये बड़ी पाबंदियां हैं, ये फुला है, ये फुला है, ये इससे तंगी आती है। और मेरे भाइयों, जो मुसलमान है उसके लिए अल्लाह ताला ने दीन को आसान बना दिया है और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए अमल करवा के दिखला दिया है कि दुनिया के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत की किताब की तफसीर मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम है। और आपसे सीखने वाला, आपने आपसे सीखने वाली जमात का नाम क्या है? सहाबा। उन्होंने अपनी जिंदगी में हर वो काम करके दिखाया है जिसका अल्लाह ने हुक्म दिया है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसका हुक्म दिया है। तो आज भी हमारे लिए हर्फ आखिर क्या है? कुरान और हदीस। कुरान और हदीस, जो भी इससे बाहर निकलेगा, जो भी इसको पसे पुष्ट डालेगा, अपनी सोच, अपनी फिक्र, अपनी जुबान, अपनी अकल, अपने दिल की बातें इस दीन में शामिल करेगा, उसकी कोई हसीयत नहीं है। इसलिए कि अल्लाह ने कहा है अल्योम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती, अल्लाह ने हमारा दीन मुकम्मल कर दिया है। और किसकी जिंदगी में मुकम्मल किया है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में किया है। हज्जतुल विदा के मौके पर नबी सल्लम की जिंदगी का आखिरी हज है, मैदान अराफात है, जुमे का दिन है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस आयत को नाज़िल फरमा के अल्लाह ताला ने हमारी खुशी को और ज्यादा बढ़ा दिया है। आज हमें फिक्र होती है अगर हमारा दीन मुकम्मल ना होता, क्योंकि मुकम्मल ना होता तो फिक्र होनी थी ना। तो फिर हर कोई अपने ढिसोगले, अपनी सोच, अपनी राय, अपनी फिक्र इसमें शामिल करता फिरता, तो लोगों ने, किसी ने खुश होना था, किसी ने नाराज होना था। अल्लाह ताला ने क्या खूबसूरत आयत करीमा को नाज़िल फरमा के अपना फैसला फरमा दिया कि आज मैंने तुम्हारा दीन तुम पर मुकम्मल कर दिया। इससे बड़ी कौन सी बात हो सकती, इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है? अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें इस नेमत की कदर करने की तौफीक अता फरमाए, हमें दीन को, दीन इस्लाम को ही अपना दीन सच्चा और हक्का मानने की तौफीक अता फरमाए, हमें हर बात अल्लाह और उसके रसूल की बात जो है वो हमारे लिए तरजीह वाली बात है, काबिले अमल है, काबिले इत्तिबा है, उसके अलावा इंसानों की किसी बात की कोई हसीयत नहीं है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम की बात तमाम इंसानों में सबसे आला और अफजल बात है। ऐ अल्लाह हमें जिंदा रख दीन पर, दीन इस्लाम पर, मौत तो शहादत जैसे अजीम होता था फरमा। सुभानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु।